नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस को देख रहे हैं। चलिए उसमें देखते हैं आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे क्या होते हैं हमेशा परीक्षा में आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, आज फोर्स अर्थात बल। बल क्या होता है, बल के प्रकार को जानेंगे, और जो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं बल में, जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते जो प्रश्न बनते हैं इनसे, इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे आगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न भी लाए हैं हम लोग, क्या करेंगे इसके साथ साथ जो जिससे प्रश्न पूछे भी गए हैं जो, उसको भी हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, इसको समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखेंगे बल, बल को देखेंगे, बल क्या होता है उसको समझते हैं, बल को देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो कहते हैं बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार या आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। बल क्या होता है, बल वह बाह्य कारक या कह सकते हैं धक्का या खिंचाव है जो क्या करता है, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर क्या करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। आगे देखते हैं बल क्या है। तो बल एक सदिश राशि, हम पहले ही बता चुके हैं बल क्या है, एक सदिश राशि है। आगे देखते हैं जिसमें सदिश राशियां होती है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। तो इसके पहले हम जो देखे थे, जो शुरू शुरू में उसको भी समझे थे हम लोग। तो बल क्या होता है, इसको आप याद रखिएगा, ये पूछता है परीक्षा में बल कैसी राशि है। तो बल एक सदिश राशि है, ठीक है, और सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं बल के कुछ मात्रक दिए गए हैं। बल के मात्रक को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, न्यूटन भी होता है। बल के मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसे किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर के नाम से जानते हैं, ठीक है, किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर के नाम से भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। किसको, बल को। तो कह सकते हैं बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन भी होता है और क्या होता है, किग्रा, या फिर कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी क्या होता है, बल का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कुछ बल जो होते हैं किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। वस्तु पर कार्यरत बल निम्न प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, मतलब कोई बल होता है किस प्रकार से वो प्रभाव को उत्पन्न करता है, क्या क्या प्रभाव किस वस्तु पर उत्पन्न करता है, हम उसको देखेंगे और समझेंगे। पहला दिया है विरामावस्था में, अर्थात विरामावस्था में स्थिति वस्तु को गतिशील कर सकता है। बल क्या कर सकता है, जो विराम वस्तु में स्थिति, अगर कोई वस्तु रहेगी, स्थित रहेगी, तो उस वस्तु को क्या कर सकता है, ये गतिशील कर सकता है, उसे गति प्रदान कर सकता है। दूसरी बात कहता है कि गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में भी क्या होता है, ले जाया जा सकता है। अगली बात है वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की जो चाल होती है उसमें भी क्या कर सकता है, ये बल परिवर्तन कर सकता है। आगे दिया है वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है, बल के द्वारा क्या, वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है वस्तु की आकृति परिवर्तन कर सकते हैं, हम पहले बता चुके हैं आकृति जो चीजें निर्धारित की हुई है वो उसकी परिभाषा में हम आपको बताए हैं। तो ये सब चीजें क्या समझिए, ये परिवर्तन को दर्शाता है। ये सब किसके अंतर्गत आती है, तो बल के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं, आगे देखेंगे बल के प्रकार। बार बार पूछा जाता है बल के कितने प्रकार होते हैं, तो उसको भी देखते हैं। तो बल की प्रबलता के आधार पर बल के दो प्रकार बताए जाते हैं। अगर बात करें बल की प्रबलता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो बल के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित। देखते हैं संतुलित बल क्या होता है, चलिए देखते हैं संतुलित बल में क्या बात है। यह एक ऐसा बल होता है जिसमें दोनों तरफ से समान बल लगाया जाता है। संतुलित मतलब क्या होता है, एक प्रकार से संतुलन को बनाए रखता है। तो ये क्या होता है, ऐसा बल होता है जिसमें दोनों तरफ से क्या होता है, समान बल लगाया जा सकता है, अर्थात इससे वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। आगे उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण दिया है तराजू होता है, झूला होता है, सब इत्यादि किसके उदाहरण, तो संतुलित बल के ये सब उदाहरण माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया दूसरा असंतुलित बल। दूसरा क्या है, असंतुलित बल क्या होता है, इसको देखते हैं। यह वह बल होता है जिसमें दोनों तरफ से समान बल नहीं लगाया जा सकता है। असंतुलित बल क्या होता है, यह बल ऐसा होता है जिसमें दोनों तरफ से क्या होता है, समान बल नहीं लगाया जा सकता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में प्रस्ताव या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं तराजू का एक तरफ झुक जाना, ये सब इत्यादि सब किसके बल है, किसके उदाहरण है, तो असंतुलित बल के उदाहरण है। तो हम लोगों ने क्या देखा, संतुलित और असंतुलित बल को देखा। आगे देखते हैं और कुछ भी बल के प्रकार में है, बल के अन्य प्रकार में देखते हैं। बल के अन्य प्रकार, सभी बलों को दो समूह में बांटा जा सकता है, मतलब देखते हैं इसे संपर्कित बल असंपर्कित, जिसे संपर्कित बल कहते हैं, ठीक है, ये क्या होता है इसको देखते हैं। संपर्कित बल क्या होता है इसको देखते हैं, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा लगता है उसे संपर्कित बल कहते हैं। जैसे मांसपेशी बल,
घर्षण बल ये सब क्या होते हैं, संपर्कित बल के अंतर्गत आते हैं। ये उदाहरण जरूर याद करिएगा कि घर्षण बल, मांसपेशी बल ये सब किसके उदाहरण है, तो संपर्कित बल के उदाहरण है। अगला दिया असंपर्कित बल। असंपर्कित बल क्या होता है, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क बल लगाया जाता है उसे असंपर्कित बल कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो असंपर्कित बल के अंतर्गत आता है। बार बार पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल किसके अंतर्गत आता है, चुंबकीय बल, तो ये किसके उदाहरण है, तो असंपर्कित बल के अंतर्गत आते हैं। और मांसपेशी बल और घर्षण बल ये सब किसके उदाहरण है, तो संपर्कित बल के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं और कुछ आगे देखते हैं और भी चीजें। एक देखेंगे घर्षण बल, बार बार पूछा जाता है घर्षण बल क्या होता है, यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति के दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है या दो सतहों के बीच कार्य करता है। ये कितने दो सतहों के बीच क्या करता है, ये घर्षण बल हमारा कार्य करता है। जैसे उदाहरण, जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच कार्य करता है। तो यह बल क्या होता है, सड़क और कार दोनों के बीच क्या होता है, कार्य करता है। घर्षण बल को कम करने के लिए हम निम्न चीजों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे दिया है चिकनी गोली जैसे चक्कों में बाल बेयरिंग का प्रयोग करके क्या होता है, घर्षण बल को कम किया जा सकता है। ये बार बार पूछा जाता है कि घर्षण बल किस प्रकार कम कर सकते हैं, तो जो होता है चक्कों में बाल बेयरिंग का प्रयोग करके घर्षण बल कम कर सकते हैं। इसके बाद चिकनी समतल के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे समतल की सतह पर चिकनाई युक्त प्रणाली से लुब्रिकेंट का उपयोग करके भी क्या कर सकते हैं, घर्षण को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है, इसको देखते हैं। अभिकेंद्री बल, जब कोई वस्तु वृत्ति पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है, उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है, तो ये कैसा बल होता है हमारा, अभिकेंद्री बल के अंतर्गत ये आता है। इस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। जैसे क्या होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति होती है किस कौन सी बल के अंतर्गत आएगी, तो अभिकेंद्री बल के अंतर्गत ये आती है। आगे हमारा दिया अगला चुंबकीय बल। चुंबकीय बल को भी देख लेते हैं। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबक द्वारा किसी धातु पर लगाया गया बल क्या होता है, चुंबकीय बल कहलाता है। अथवा विद्युत चुंबकीय द्वारा अपने चारों ओर फैले चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय धातु द्वारा जो बल का अनुभव करना, वही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय बल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कौन सा बल है हमारा, चुंबकीय बल। अगला देखते हैं हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला हमारा कौन सा बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को देखते हैं क्या है, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले बल, पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले बल को कौन से बल के नाम से जानते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखते हैं क्या दिया है। आगे देखेंगे हम साथियों प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न इससे बनते हैं। बार बार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला क्या कहता है कि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। दूसरा कथन क्या है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। कथन तीसरा क्या कहता है, सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। तो देखना उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन से कथन इसमें सही है। तो देखते हैं पहला क्या दिया है ऑप्शन। इसमें पहला कहता है कि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या, घर्षण कहते हैं। दूसरा हमारा, घर्षण बल सदैव वस्तु की स्थिति का प्रतिरोध करता है। तीसरा है, सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होगा। सभी वस्तुओं का जड़त्व किस प्रकार समान होगा, अगर कोई वस्तु क्या होगी, अधिक भारी होगी, उसका जड़त्व क्या होगा, जड़त्व भी तो अधिक होगा। तो इस प्रकार से आपका ऐसे भी गलत हो जाएगा। और वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रतिरोध, ये प्रतिरोध नहीं होता अगर, तो ये भी चीजें क्या होती, घर्षण नहीं कहलाएंगी। बल्कि कथन हमारा दूसरा यहाँ पर सही होगा, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। तो ऑप्शन क्या, एक और दो, दोनों नहीं केवल दो, यही हमारा बी वाला ही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, केवल दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है। क्या बात संवेग के बारे में सही कही जा रही है। कथन दूसरा देखते हैं, इसमें क्या कहता है कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है।
तो बात से कथन पहला हमारा अगर संवेग के बारे में बात करें तो वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। ये बातें सही है आपकी। इसकी दिशा वही होती है जो उस वस्तु की दिशा वेग की दिशा होती है, ये भी सही है। दूसरी बात इन्होंने कही है, कथन दूसरा है, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या फिर सुरक्षितता, ये भी सही है आपकी। बात अगर संवेग के बारे में कहें तो दोनों बातें यहां पर सही है। देखते हैं कथन कौन से पूछा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक और दो, जो दोनों दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीलियो गैलीली से है, मतलब निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीलियो गैलीली से है, ये पूछा गया आपका प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, पहला दिया पुस्तक एक दिया द लिटिल वैलेंस, दूसरा दिया है स्टोरी मैसेंजर, तीसरी बात करता है डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, और चौथा इन्होंने पुस्तक लिखा है लेटर्स ऑन द सन स्पार। तो इसके अलावा इन्होंने क्या बातें कही है, तो ये कौन सी इनकी पुस्तक है, ये क्या बात करते हैं, तो ये इन्होंने एक निबंध भी लिखा है, निबंध का नाम क्या था, मैडी नाम का इन्होंने क्या लिखा है, एक निबंध भी इन्होंने लिखा है, किसने, गैलीलियो ने। तो पुस्तक देखते हैं, तो पहली ये चारों पुस्तक अगर बात करें तो किसकी है, तो इन्हीं की है, गैलीलियो की चारों पुस्तक दी गई है, ये चारों पुस्तक इन्हीं की। तो ऑप्शन हमारा जो चौथा दिया है ये क्या होगा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो चारों पुस्तक का जो नाम दिया गया है ये किससे संबंधित है, गैलीलियो से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर क्या होता है, वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, के वेग के समानुपाती होता है, के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, के जड़त्व के समानुपाती होता है। तो जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल अगर कार्य करता है तो किसके समानुपाती होगा, तो वो पर लगे बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए हमारा जो होता है, फिर इसको हम क्या करें, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लिख सकते हैं, ठीक है। यही क्या होता है बात जो कहा हमारा, पर लगे बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं अगला, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को, पहला ऑप्शन दिया है न तो पैदा किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, दूसरा है पैदा किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है, तीसरा है पैदा किया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता, और चौथा है पैदा नहीं किया जा सकता है या किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है, ऊर्जा को तो न तो पैदा किया जा सकता है न किया नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसका एक रूप में दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। बात पहला ही जो दिया है यही सही होगा। बार बार आपके प्रश्न में ये परीक्षा मतलब परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और पूछा भी जाता है ऊर्जा संरक्षण के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया है निम्नांकित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है, निम्नांकित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ये दिया है किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी पानी की बाल्टी को उठाना, किसकी बात करता है, ध्यान दीजिएगा, पेशीय बल की। ऑप्शन बी हमारा कहता है किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी एक पुस्तक को उठाना। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर रुक जाना। ऑप्शन तीसरा है किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से फर्श पर मेज को धकेलना। तो नहीं पूछा इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी बाल्टी को उठाना क्या होगा, पेशी बल का उदाहरण नहीं है पूछा है, ये क्या होगा यहाँ पर सही होगा। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी एक पुस्तक को, भाई मेज पर रखी पुस्तक उठाएंगे तो क्या पेशी बल वहां पे कार्य नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये भी यहाँ पर ये भी क्या होगा आपका सही है। तीसरी बात है किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर, नाव का यहां ध्यान दीजिएगा, नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर रुक जाना, ये किसका काम करेगा, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि नाव पर यहां तक तो सही है लेकिन नाव का पानी में कुछ दूरी रुक जाना है किसका, यहाँ उत्प्लावक बल का कार्य करेगा। कौन सा बल, तो उत्प्लावक बल यहाँ पर कार्य करेगा इस प्रकार से। और चौथा हमारा किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों फर्श पर रखी, ये किसका उदाहरण है, तो ये कानून उदाहरण है पेशी बल का, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी हमारा जो दिया है यहाँ पर सही है। बहुत अच्छा प्रश्न, इसको ध्यान से देख, बात यही पे बस चेंज हुई है, नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर अपने आप से रुक जाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है चुंबकीय बल,
ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य बल और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप लोग पढ़ते हुए आएंगे, बार बार ये परीक्षा में बनता है, वो प्रश्न इससे है ये कौन सा बल यहाँ पर कार्य करता है, तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आभासी बल है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है, आपका ए दिया है अभिकेंद्र बल, बी है अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, सी है अभिकेंद्री बल और डी है प्रबल नाभिकीय बल। तो यहां पर अगर आभासी बल की बात करता है तो हमारा कौन सा होगा, अपकेंद्री बल, जो हमारा तीसरा दिया है यही क्या होगा यहां पर सही होगा। ये किस प्रकार का बल है, तो एक आभासी बल के रूप में ये क्या करता है, कार्य को करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला बल है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षयकारी बल है, निम्न में से कौन सा क्षयकारी बल है, ऑप्शन ए है गुरुत्व बल, ऑप्शन बी है घर्षण बल, ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है स्थिर वैद्युत बल और ऑप्शन डी हमारा क्या है चुंबकीय बल। बाल किसकी करता है, क्षयकारी बल की। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा बी दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, घर्षण बल को हम क्षयकारी बल के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को आप लोग नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। ऑप्शन ए है श्यानता, बी है बायल का नियम, सी है गुरुत्वीय बल और डी है पृष्ठीय तनाव। तो बात करें अगर बाल पेन का तो किस पे कार्य करता है, वो पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है, ऑप्शन जो हमारा चौथा दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, बाल पेन हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला देखते हैं, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, पहला दिया है अल्टीमीटर और दूसरा दिया हमारा एनीमोमीटर, इसके बाद दिया हमारा क्रोनोमीटर, इस क्रोनोमीटर है ये क्या हमारा डोजीमीटर या डोसीमीटर इसको बोलते हैं। तो अगर बात करें क्या पवन की गति को मापने वाला जो उपकरण होता है वो क्या होता है हमारा एनीमोमीटर होता है, और अल्टीमीटर से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं इससे ऊंचाई को मापते हैं अल्टीमीटर से। अगला दिया क्रोनोमीटर से जो समुद्री जहाज होती है जब वो चलती है तो उनकी दिशा का जो मापन किया जा सकता है वो किसके द्वारा करते हैं क्रोनोमीटर से, और ये क्या होता है डोजीमीटर से हम आयनीकरण जो विकरण होते हैं उनके तत्वों को हम किसके द्वारा मापते हैं, तो डोजीमीटर के द्वारा मापते हैं। तो हमारा ऑप्शन पूछा था पवन की गति को, तो एनीमोमीटर हमारा यहाँ पर क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बल किसी क्षेत्र पर लगा है यदि बल को दोगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दे तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का क्या होगा, ठीक है क्या आधा होगा, क्या दोगुना होगा, क्या एक चौथाई होगा, कि चौगुना होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, हमारा फार्मूला क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, या फिर हम क्या लिख सकते हैं पी बराबर या एफ इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा है पहले देख लीजिए, एक बल किसी क्षेत्र पर, यदि बल को क्या कहा है दोगुना कहा है, बल को क्या किया है दोगुना किया है, मान लीजिए यहां पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर क्या कहा है कि क्या है क्षेत्रफल को आधा कर दे, क्षेत्रफल को क्या कहा है आधा कर दे क्षेत्रफल को, तो पूछा भाई परिणामी दाब क्या होगा, तो ये क्या होगा दो हमारा ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा चार गुणे एफ बाई ए, इसको लिख सकते हैं। तो यही क्या पूछा है हमारा, अगर पूछा है क्या परिणामी दाब क्या होगा, तो ये हमारा निकल आया दाब बटा क्षेत्रफल, तो यही चार जो हमारा होगा चौगुना, अर्थात जो हमारा ये चौगुना दिया यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, चौथा जो दिया है चौगुना वही सही होगा, ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों आज हम लोगों ने बल को पढ़ा, बल से जितने प्रकार थे उसको देखा, प्लस जितने भी प्रश्न आए हुए थे और बनते हुए प्रश्न जो बन सकते हैं हम लोगों ने उसको भी देखा। तो साथियों आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें शेयर करें। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।